हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसके पैशन। फ्रेंड्स, आज और एक होममेड खाद बोल सकते हैं या होममेड फर्टिलाइज़र बोल सकते हैं या फिर जो है ना घर की बनी हुई खाद, जो भी आप लोग बोल सकते हैं, बहरहाल घर की चीज़ों से यूज़ करने का है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या टॉपिक पर बोल रही हूँ। ये सबसे बेस्ट खाद बनने वाली है फ्रेंड्स झाड़ों के लिए। इसका जो है ना आप लोग 2 महीने 3 महीने या हो सका तो साल भर भी जो है ना आप लोग इसको बना के रख सकते और इसका यूज़ कर सकते आप लोग घर में। घर जितना भी वेस्ट आप लोग ये इसके मॉस के पत्ते कर देते या मॉस के स्टेम्स वगैरह, हालांकि ये स्टेम्स अपने घने सालन में उसमें खाया जाता, मॉस का स्टेम्स बहुत हेल्दी रहता है ये सेहत के लिए। और ये देखिए इसका पत्ते, जितना ये फर्टिलाइज़र बनेगा फ्रेंड हेल्दी, शायद आप लोग ये बनाने के बाद आप लोग वहाँ समझ सकते। ये देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए ये गुड़ है, जितना मैं ये स्टेम ले रही हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा गुड़ लेना। कभी भी आप ये अगर मौस के झाड़ से अगर आप खाद बना रहे तो उससे थोड़ा ज़्यादा जो है ना गुड़ रहना फ्रेंड। तो जो है ना आप 1 साल या 8 महीने जितना भी आप इसको टाइम रख सकते हैं, इवन इसको आप, मैं बोल रही हूँ ना, ये बना के रखने के बाद अच्छे से ये फर्टिलाइज़र रेडी होने के बाद आप लोग झाड़ के ऊपर फूलों के लिए और जो भी फ्रूट वगैरह है उसके लिए आप लोग इसको स्प्रे भी उस कर सकते हैं। ये देख रहे हैं मैं आप लोगों को बना के बता रही हूँ, ये देख रहे हैं खाली है ये, यहाँ देख रहे हैं आप इसको जो है ना, इसको देखिए बारीक बारीक जो है ना पीसेस में कट कर लेना। ये थोड़ा हार्ड है लेकिन आप लोग घर के चीज़ों को यूज़ करके मैं आप लोगों को हमेशा जो है ना वीडियोस बना के बताती हूँ। कोई बाहर जाके ख़रीदना करने का उतना सुख नहीं है, घर में जो चीज़ें बच जाते हैं उसी के यूज़ करने का है। ये देखिए आप, ये गुड़ भी जो है ना यहाँ पर देख रहे हैं आप, घर में का था यूज़ करे हुआ, ये देखिए ख़राब हो गया, ये फंगस देख रहे हैं आप लोग, ये थोड़ा सा जो है ना ख़राब हो गया, इस वजह से मैं जो है ना ये भी खाद बना ले रही हूँ। 1 साल तक जो है ना आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। एक हिस्सा है आप जो इसको डब्बे में डालने के बाद मलमल का कपड़ा या कॉटन का कपड़ा जो है ना आप लोगों को इसको रैप कर देना। यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा हार्ड है ये, लेकिन जो है ना मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना बोल के। ये देख रहे हैं जितना बारीक हो सका उतना बारीक ले सकते हैं आप, जितना जो जैसा भी आप चाहें वैसा ले सकते हैं। ये देख रहे हैं क्योंकि ये फर्मेंट हो जाता है बाद में जो है ना, ये सब नहीं दिखता अपने को। किचन से जो भी निकल रही या अपने टेरेस पे से जो भी निकल रहा, कौन सी भी चीज़ जो है ना वेस्ट करने बजाय ये चीज़ों में जो है ना अपन यूज़ कर ले सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत महंगी हो रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, लिहाजा जो है ना जो भी चीज़ें घर में है अवेलेबल उसी का यूज़ कर लेके जो है ना झाड़ों को अपन हेल्दी बना सकते। ये देख रहे फ्रेंड्स, ये जो है ना इतने जो है ना ये लीफ कंपोस्ट में उसमें चले जाता। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये देखिए मैं थोड़ा हार्ड रहने की वजह से थोड़ा ज़रा मोटा छो गया ये काटने में, लेकिन ये गल जाता बहुत जल्दी, डिजॉल्व हो जाते ये पूरे। ये देख रहे हैं आप, ये गुड़ है, ये देखिए ये इसमें ये गुड़ मैं ज़्यादा ली फ्रेंड्स क्योंकि खाद में कुछ ज़रा ज़्यादा होना, क्योंकि मेरे पास जो है ना बहुत झाड़ा है उस हिसाब से जो है ना मैं ये खाद बना ले रही हूँ और मेरे को थोड़ा ये स्टोर करके भी रख सकती हूँ मैं बाद में। अगर मेरे को मॉस के और जो है ना थोड़े चीज झाड़ा ऊपर से निकले तो मैं इसमें और ऐड कर लेके और थोड़ा गुड़ ऐड कर लेती हूँ। यहाँ देख रहे हैं आप, इतना गुड़ मैं इसमें यूज़ कर ले रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा पानी ले रही हूँ मैं, ये देख रहे फ्रेंड्स देखिए
इसको जो है ना अच्छे से इस तरह से मैश करना है। यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको जो है ना अच्छे से ये गुड़ पूरा इसके अंदर लग जाना, ये पूरे स्टेम के पत्तों को और ये पूरे चीज़ों को जो है ना ये पूरा अच्छे से, इसमें पानी वानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो है ना ये पत्तों का जो पानी देख रहे हैं आप वो रिमूव होता, लेकिन मैं जो है ना थोड़ा इसको गुड़ लगे हुआ था थोड़ा पानी 2 चम्मच इतना मैं इसके अंदर ऐड कर ली बाद में। ये देख रहे हैं आप इसका पानी खुद ब खुद जो है ना इसका पानी छूटते जाता। झाड़ों को इसका स्प्रे करें ना फ्रेंड्स, आप यकीन मानेंगे फ्लावरिंग भी अपने पास बहुत अच्छी होती और रूटिंग के जो फूल वगैरह झड़ जाते जो भी अपने पास प्रॉब्लम आती जो है ना वो प्रॉब्लम भी इससे दूर हो जाती। ये ज़बरदस्त खाद बनने वाली है। अब यहाँ देख रहे हैं आप, मैं ये डब्बा ली 1 किलो का, इसमें देखें पूरा डाल देती हूँ और एक ये चीज़ को धूप में रखने का नहीं है, छांव में रखने का है, ठंडी जगह पर। चाहे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं इसको 1 साल भर के लिए, 8 महीने के लिए आप अगर यूज़ करें तो फ्रिज में भी नीचे का जो डब्बा रहता है उसमें रखना, फ्रीज़र में नहीं रखना। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए गुड़ का पानी देखिए, ये देखिए। अब इसको जो है ना मैं तो ये अपने किचन में थोड़ी जगह है वहाँ पर ठंडी छाँव की जगह पे मैं ये इसको ले जाके वहाँ पर रख लेती हूँ। इसको एक कॉटन का कपड़ा बांध के जो है ना आप इसको कहीं भी छाया ठंडी जगह पे मतलब जैसे साइड में कहीं भी आप लोग धूप में मत रखिए, इसको छाँव में रख दीजिए आप इसको। इसके बाद आप साल भर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, साल भर के लिए जो है ना आप इसको सेव करके भी रख ले सकते हैं। और स्प्रे कीजिए झाड़ों के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हो सका तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।